मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क की चर्चा इन दिनों देश दुनिया में है। कारण है, भारत में 70 साल बाद चीतों की आमद यहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नामीबिया से 8 चीते को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। असल में इसका पूरा नाम पालपुर कुनो नेशनल पार्क है। 41 साल पहले इस अभयारण्य की नींव रखने वाले पालपुर राजघराने को इस नेशनल पार्क की वजह से ख्याति तो मिली, लेकिन वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। अब वे सम्मान और अपना हक वापस पाने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं। आज 29 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। कलेक्टर को कोर्ट के सामने पक्ष रखना है। पालपुर राजघराने के वंशज ने कोर्ट में मुआवजा समेत अभयारण्य के अंदर किला गढ़ी मैदान में जाने की इजाजत और पालपुर की पहचान को यथावत रखने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। पालपुर राजघराने की 222 बीघा जमीन और किला अभयारण्य के लिए दिया गया था। राज परिवार ग्वालियर में रहता है। कृष्ण राज सिंह पालपुर ने बताया कि जिन शर्तों पर हमारे घराने ने यह जमीन अभयारण्य को दी थी, उन शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। न तो हमें हमारे किले और मंदिर के अंदर जाने दिया जा रहा है, न ही सरकार ने हमें मुआवजा दिया है। इतना ही नहीं, चीता विस्थापन के कार्यक्रम में एक बार भी हमारे राजघराने का नाम नहीं लिया गया। इसी सम्मान को पाने के लिए हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने मुआवजा राशि के अलावा पुस्तैनी किले और मंदिर में आने जाने की अनुमति देने व नेशनल पार्क का नाम पालपुर नेशनल पार्क ही रहने देने की मांग की है। अभयारण्य के लिए अपनी 222 बीघा जमीन और किला देने वाले पालपुर राजघराने ने अब अपनी संपत्ति वापस मांगी है। राज परिवार के वंशज ने राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि उन्होंने अपनी संपत्ति शेरों के लिए दी थी। अभयारण्य में शेर नहीं आए, अब चीतों को लाया गया है, इसलिए उन्हें उनकी संपत्ति वापस दी जानी चाहिए। राजघराने के लोगों का यह कहना है कि उनकी संपत्ति पर अवैध तरीके से अधिग्रहण किया गया और कोई मुआवजा भी नहीं मिला है। उन्हें किले के अंदर स्थित अपने पुस्तैनी मंदिर में पूजा करने तक की इजाजत नहीं है। पालपुर राजघराने को अपनी संपत्ति के बदले कोई मुआवजा भी नहीं मिला है। उन्होंने मुआवजे की मांग की थी, लेकिन PWD ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संपत्ति 100 साल से ज्यादा पुरानी है और उनकी जीरो वैल्यू है। इस रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे की मांग खारिज कर दी गई। राज परिवार के लोगों को अभयारण्य के अंदर स्थित अपने पुस्तैनी जागीर को देखने के लिए आम लोगों की तरह एंट्री लेनी होती है। अभयारण्य में गिर के शेर को शिफ्ट करने के संबंधित कोर्ट के फैसले के बाद इस इलाके में रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छूने लगी। हालांकि न तो बाघ यहां लाए गए और न ही पालपुर राजघराने को कोई मुआवजा मिला। राजघराने के लोगों को अभयारण्य के अंदर स्थित अपने पारिवारिक मंदिर में पूजा करने की इजाजत नहीं है। वन विभाग ने इस पर रोक लगा रखी है। अब उन्होंने वन विभाग के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें महाखबर के साथ।